लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए संवाद और संपर्क समिति के जरिए लोकसभा क्षेत्रों में दिग्गजों के प्रभारी बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो नेता और कार्यकर्ता रूठे नजर आ रहे हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। आपको बता दें कि सरगुजा में प्रेम साय सिंह और आदित्येश्वर शरण सिंह देव को प्रभारी बनाया गया है। जांजगीर चांपा की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर को दी गई है। कोरबा में जय सिंह अग्रवाल और गुरुमुख सिंह होरा को जिम्मेदारी मिली है। बिलासपुर में पूर्व विधायक पद्म मनहर को जिम्मा सौंपा गया है। वहीं रायगढ़ में पूर्व विधायक उमेश पटेल को मौका दिया गया है। वो यहां पर रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल राजनांदगांव हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कवर्धा से सांसद संतोष पांडे के बीच मुकाबला होने वाला है। इसीलिए यहां की जिम्मेदारी पूर्व अध्यक्ष धनेश पाटिला को दे दी गई है जो कि रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में जी जान लगा देंगे। दुर्ग की बात की जाए तो यहां जिम्मा मोहन मरकाम को सौंपा गया है। राजधानी रायपुर से पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। महासमुंद में अमितेश शुक्ल मोर्चा संभालने वाले हैं। बस्तर की बात करें तो यहां पर पहले चरण में चुनाव होना है और इसका जिम्मा राजेंद्र तिवारी उठाने वाले हैं। कांकेर में अनिला भेड़िया रूठे हुए को मनाने की कोशिश करेंगे। राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, रूठे कांग्रेसी और उन्हें अब मनाने की कवायद किस तरह से? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, रूठों को मनाने की जो कवायद है वो अब कांग्रेस में तेज हो गई है और खास बात ये है उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है जो खुद रूठे हुए थे कांग्रेस से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठा करके चुनावी मैदान में उतरने की जो तैयारी है कांग्रेस की वो पूरी करते हुए नजर आ रही है ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए, किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए ताकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जमीनी स्तर पे काम कर सके और कहीं ना कहीं जो उनके जो प्रत्याशी हैं उन्हें जीत दिला सके। लेकिन देखिए, जो रूठे हुए नेता थे उन्हें ही अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 11 लोकसभा क्षेत्र हैं और 11 लोकसभा में सभी उन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो रूठे हुए थे। अब रूठे हुए नेता अब रूठे कार्यकर्ता को मनाने जाएंगे। जी ठीक है, और साथ ही ये भी जानेंगे क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी अपना हाथ का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। और ऐसे में ये खाना पूर्ति है जो दिखाई जाती है कि अंतर कलह नहीं है और ऐसे में आप ये जो क्षति है इसको कम करने के लिए किस तरह से क्या रणनीति और सामने आएगी? बिल्कुल, बीते दो माह की यदि हम बात करें तो ज्यादातर जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए हैं और यही वजह है कि अंतर कलह की जो स्थिति है वो भी कांग्रेस पे सीधे तौर पे देखने को मिली है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ की बात करें या इसके अलावा बस्तर को लेकर के बात करें, लगातार इस तरह की जो शिकायतें हैं या इस तरह के जो मामले हैं वो निकलते हुए सामने आ रहे थे। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब रूठों को मनाने के लिए कहीं ना कहीं एक समिति बनाई है और जिसपे जो दिग्गज नेता हैं, चाहे देखिए रायपुर की बात करें तो सत्यनारायण शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है, मोहन मरकाम हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रेम साय सिंह टेकाम साथ साथ जो पूर्व मंत्री रहे हैं उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो तमाम जो 11 लोकसभा सीटें हैं हर लोकसभा सीटों को कहीं ना कहीं जो रूठे जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं उन्हें मनाने के लिए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 1 से 2 जो पदाधिकारी हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि वे जो कांग्रेस की जो अंतरकलह है उसे शांत करें और जो नाराज चल रहे हैं उन्हें वो मना सके और फिर से एक बार मजबूती के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान पे उतर सके। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी कुछ और अपडेट्स लेंगे।